अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल जी स्टाइल। मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे, और इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दीजिए और कर दीजिए लाइक। और अगर लाइक नहीं भी करना तो कोई मसला नहीं, वीडियो के एंड में जरूर करेंगे, आई नो दैट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब बताती हूँ वीडियो है क्या एक्चुअली। कुछ मेरे कैप्शन से, कुछ मेरे थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस चीज़ के बारे में है। अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वीडियो इज ऑल अबाउट अफोर्डेबल, सुपर अफोर्डेबल मेकअप। If you live in UAE or respective countries, और पाकिस्तान से भी मिल सकता है जनाब, हौसला हौसला, जी हाँ, you can get this in Pakistan as well। कहाँ से मिल सकता है सब कुछ मैंशन है in my description box। If you live in UAE and you're looking for the super affordable makeup, और वो ऐसा मेकअप हो जो बहुत अमेजिंग हो, करने में आपको बहुत मज़ा आए, पिगमेंटफुल हो, किस तरह कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें न्यू है मेरे लिए बिकॉज देर आर नॉट जस्ट वन और टू और थ्री और फोर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, दे हैव अ फुल रेंज ऑफ कॉस्मेटिक्स। लाइक इफ दे हैव सपोज इफ दे हैव दिस पैलेट, सी दिस उषा पैलेट, दिस इज देयर कॉन्टोर हाईलाइटर एंड देयर ब्लशर पैलेट, सो दे हैव अ लॉट ऑफ बिग रेंज। इनकी इतनी ज़्यादा रेंज होती है कि यू डोंट दिस कैन डिसाइड कि ये लेना चाहिए ये वो लेना चाहिए, सो दे हैव अ ह्यूज 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 रेंज ऑफ इट। आई शुड पैलेट्स देख लें इनके, यू कैन गो एंड चेक देयर फाउंडेशन, ड्यूई से लेके मैट से लेके उसमें भी इनकी वेरिएशन है। सो आई एम रियली रियली इम्प्रेस। लेट्स चेक इट आउट कि इनका रिजल्ट कैसा होता है। आई एम गोइंग टू शो यू कि मेरे पास क्या क्या है, मैं आपको साथ साथ बताती चाहूँगी, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि एक ही कुछ प्रोडक्ट्स मैं अपने पहले ट्यूटोरियल्स में यूज़ कर सकती हूँ। सपोज दिस लेदर डस्ट पैलेट बाय फेबल, देन इनकी ये एक्चुअल पैलेट बाय फेबल, एंड देन दिस ह्यूज पैलेट आशर पैलेट सी। तो मैं ये अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा। और आप जो पाकिस्तान में हैं ना, और जो इंडिया में है, और जो जहाँ भी मुझे देख रहे हैं ना मेरे प्यारे प्यारे फॉलोअर्स, डोंट गेट अपसेट। आपको कहाँ से मिल सकता है एवरीथिंग आई एम गोइंग टू मेंशन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, वन मोर थिंग, इनकी प्रोडक्ट्स में जो लिखा हुआ है ना, जिसने मुझे इम्प्रेस किया है सीरियसली, दैट दे हैव रिटन नो टेस्टेड ऑन एनिमल्स, ओके, and discontinues if irritation occurs, exactly, this really good कि these products are not tested on animals। These two cosmetic brand Usha's and Fable is made by China, is made in China, और I think so ये sister companies है, but I'm not sure if I'm mistaken, please do let me know, the people who are watching me there, people who are related to this brand, please let me know, please confirm, because I tried to find it on the Google but I couldn't found, whenever I try to find this Fable and Usha they come side by side, so please let me know if they are sister company, but definitely they are made in China because I checked them इंटरनेट। बालों को कवर कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं ले रही हूँ ब्यूटी फैब में आमला का 24 के रोज़ गोल्ड सीरम। मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, लिप्स भी थोड़ा सा लगाया है। अच्छा जनाब, अब मैं ले रही हूँ उषा का प्राइमर है, ये HD हाई डेफिनेशन स्मूदिंग फेस प्राइमर, और इसकी जो बॉटल थी वो ग्लास बॉटल है, बहुत ही अच्छी है, मुझे पसंद आया। और अच्छी बात यह, जब मैंने इसको लगाया, थोड़ा सिलिकॉनिश है लेकिन फॉर द समर सीज़न मुझे बहुत पसंद आया, मतलब कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी, रनी था थोड़ा सा, लेकिन इसका मतलब था कि ये बहुत ही हाइड्रेट किया इसने मुझे, और वाकई ये ब्लर भी करता है आपके पोर्स को। अच्छा जी, अब मैं ले रही हूँ फेबल का फाउंडेशन, परफेक्ट कवर स्किन परफेक्टिंग हाइड्रेटिंग। जी हाँ जनाब, इसमें लिखा हुआ ये हाइड्रेशन देता है फॉर द ड्राई स्किन वालों के लिए, इनका मैट में भी है। अच्छा, मैंने थोड़े से 3 से 4 पंप लिए थे मैंने, और लगाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत ही जो है, मुझे बहुत ज़्यादा मैंने लगा लिया। दैट मीन्स कि आप थोड़ा सा लीजिएगा और थोड़ा सा ही जो है वो काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। ब्लेंड कर लें आप नाइसली, मैंने ब्रश का यूज़ किया बिकॉज ये बहुत थिक था और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक थी, एम्बर मुझे बहुत पसंद आई। मैंने ब्लेंड इसलिए अच्छे से भी हो गया क्योंकि मैंने मॉइस्चराइज़र को लगाया हुआ था और मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने सीरम यूज़ किया था, तो अच्छे से ब्लेंड कर लिया मैंने। आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, कवर बहुत अच्छा हो गया था। उषास का मैंने लिया है आई बेस प्राइमर। अच्छा जनाब, इस तरह की चीज़ मैंने पहले कभी यूज़ नहीं की थी, तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम मैं कोई भी प्राइमर आँखों के लिए यूज़ करी थी, एंड फॉर माई सरप्राइजिंगली बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया, और अभी आप जब इसको देखेंगे इसने इतना हसीन कवर किया मेरी आंखों को कि बिल्कुल डॉट डॉट में मैंने लगाया है और उसने पूरा स्प्रेड किया और इतना खूबसूरती से जो है वो ब्लेंड भी हो गया। एज अ कंसीलर भी मैंने इसी को यूज़ किया और एज अ प्राइमर भी आंखों के लिए मैंने यही यूज़ किया है।
और मेरी सरप्राइजिंग के लिए दोनों चीज़ें यानी कि इनका फाउंडेशन भी एंड दिस आई बेस भी बहुत अच्छे से जो है वो कवर कर रही थी। अच्छा, अब मैं ले रही हूँ उषा का ये क्रीम ब्लश है स्वीट हार्ट। मैंने इसको एज अ कॉन्टोर यूज़ किया है, बिल्कुल एक पंप लिया है और मैंने हाथों से पहले उसको डैप डैप करके अपने चीक बोन्स पर लगाऊंगी, आप देख सकते हैं। और मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, बिल्कुल नई प्रोडक्ट्स है मेरे लिए। थोड़ा सा नोज़ पे भी लगाया है टू गिव अ समरिश चीकी रेड लुक। अच्छा, कॉन्टोर ब्रश लिया है मैंने अब उसको और मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड अगेन मैं बहुत सरप्राइज हुई, इनके पिगमेंट बहुत ही हसीन पिगमेंट थे और जिस तरह की इसकी प्राइस है आई डोंट रिमेंबर द प्राइस ऑफ दिस वन, बट मैंने यहाँ दुबई से लिया, यूएस से लिया, तो इट्स लाइक अराउंड 7 to 6 सीरम आई गेस, बट द पिगमेंट इज़ रियली रियली गुड, वेरी सरप्राइजिंगली बहुत ही हसीन। मैं कुल 1 से 2 पंप थे शायद और वो बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए। अच्छा, मैं ले रही हूँ फेबर का सेटिंग्स पाउडर, दिस इज़ टू गुड, पैकेजिंग इज़ सुपर क्यूट सुपर गुड। एंड मैंने उसी का पाउडर का पफ लेके उसको अपने आँखों के नीचे लगाया है, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आता है, अच्छे से आपने अपने फाउंडेशन को सेट करना है आँखों के नीचे, अच्छे से करना है अपने और स्पेशली अपने माथे पर भी। अच्छा, अब मैं ले रही हूँ फेबल की नेचुरल आई शेडो पैलेट फॉर द आईब्रोज। मैंने आईब्रो के लिए कोई कलर पेंसिल यूज़ नहीं की, मैं इसी शेडो में से जो है वो यूज़ करूँगी। अच्छे से इस पूली से मैंने आई का जो शेप है आई शेडो का वो बनाया है। अब मैं शेड लिया है फज इसी नेचुरल पैलेट में से, अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, थोड़ा डार्क ब्राउनिश शेड था, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था, बिल्कुल नेचुरल लुक आ रही थी और बहुत ही हसीन जो है वो बन गई थी आईब्रोज, क्योंकि मैंने बहुत डार्क नहीं रखी थी आईब्रोज, आई वॉन्ट समथिंग नेचुरल बिकॉज ऑलरेडी बहुत फेल्ड है मेरी जो आईब्रोज हैं। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी हसीन हसीन पैलेट, मुझे बहुत पसंद आए थे एक्चुअली कलर, जो मैंने ये ले ली थी। मैं इसमें से ले रही हूँ थोड़ा सा बेस कलर, जी हाँ, ये थोड़ा सा पीची बेस कलर है और मैं लेके इसको अपने पूरी आईलेट पर अच्छे से ब्लेंड किया है विद अ फ्लैट ब्रश और उसको मैंने एज अ बेस के लिए यूज़ किया था। अब मैं ले रही हूँ पिंक कलर, ये बहुत ही प्यारा सा टी पिंक कलर है और मैंने वो उसके अपने जो कॉर्नर्स हैं उसको फिलअप किया, कॉर्नर से लेके मिडल ऑफ द आईलेट। अब इसमें थोड़ा शिमर है, ये थोड़ा सा टी पिंक और आपके लिए कोपर कलर के दरमियान का कलर है और मैंने इसको हाथों से ही अपने इनर कॉर्नर से लेके मिडल ऑफ द लिड को मैंने अच्छे से ब्लेंड किया। मैं फ्लफी ब्रश लेके उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि दोनों कलर अच्छे से ब्लेंड हो जाएँ और बिल्कुल अलग अलग ना लगें। अच्छा, मैं ले रही हूँ फेबल की डेजर्ट डस्ट पैलेट और इसमें से मैंने शेड यूज़ किया है एम्बर और मैंने इसको अपनी थोड़ी ब्रो बॉन के नीचे नीचे हाईलाइट किया है, इसमें थोड़ा सा शिमर था और मैंने हल्का सा लेके इसको किया है। अच्छा, पॉपी पिंक सा कलर है, मैं पहले वाली आईशैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो, उसको मैंने लिया है और मैंने इसको अपनी आउटर कॉर्नर से लेके ऊपर जहाँ क्रीज लाइन है उसको अंदर तक मैंने उसको फिल किया है। अगेन आप इस आंख पे ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं कि मैंने किस तरह उसको बाहर रखा है, थोड़ा सा बाहर जिस तरह आप विंग आईलाइनर लगाते हैं। अच्छा, इसका मिडल वाला कलर शिमर है, इसके अंदर जो है बहुत ही हसीन ग्लिटर कलर्स हैं, मुझे ये बहुत पसंद आया था, पूरी पैलेट जो लेने का मकसद था वो ये कलर था। हाथों से ही मैं इसको अपने इनर कॉर्नर से लेके मिडल ऑफ द लिड जो है वो लगा रही हूँ और अभी आप जब करीब से रिजल्ट देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, उफ बहुत ही अमेजिंग इसका रिजल्ट आया था गाइस, मतलब मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था लो बजट पैलेट का। अच्छा, मैं डेजर्ट डस्ट पैलेट का मैंने कलर लिया है कश्मीर और उसको मैंने लगाया है, आप देखते हैं ब्रोबोन पे। अब मैं ले रही हूँ वो पिंक कलर और मैं उसको अंडर आई जो है वो लगा रही हूँ और अंडर आई में मैंने इसको लगाया, थोड़ा सा लगाया गाइस और अमेजिंग रिजल्ट, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहे थे, पिगमेंटेड भी अच्छे थे, आप बहुत ज़्यादा बिल्ड कर सकते हैं जितना भी आपको ज़रूरी है और प्राइमर लगाने की वजह से हर कलर जो है वो डिफाइन हो रहा था, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आ रहा है। अच्छा, ये है इनका जनाब उषा का बिग आई मस्कारा, इसमें आपको नाम से लग रहा है कि बिग आई मस्कारा, इसका वॉन्ड बहुत डिफरेंट था, नीचे की तरफ बैंड था और लगाने में काफ़ी आसानी थी। आई लाइक इट बिकॉज द प्राइस अगर देखूँ तो दैट्स इज़ रियली रियली गुड, नॉट दैट बैड, क्योंकि आपने ऊपर आईलैशेस ही लगानी थी। सो आई एम डन विद द मस्कारा, आप देख सकते हैं मस्कारा, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग गया। अच्छा जी, टाइम फॉर लैशेस, मैंने 5D लैशेस यूज़ की हैं और आप लैशेस का रिजल्ट देखें। अच्छा जनाब, अब जो पैलेट मैं यूज़ करने वाली हूँ ना वो मुझे देख के ही इतनी क्यूट लगी थी कि आई कैन नॉट रिजिस्ट, वो है जी 3-in-1 पैलेट। उसमें आपको कॉन्टर मिल रहा है, हाइलाइटर मिल रहा है और ब्लश मिल रहा है और सारे ही कलर बहुत अमेजिंग थे। मैंने इसी पैलेट का जो है ब्लशर यूज़ किया है, ये पिंक कलर का था और इसको मैंने लेके बिल्ड किया है, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ लगा रही थी हसीन हसीन होता जा रहा था और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा था और बिल्डेबल है बहुत अच्छा, पिगमेंट भी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। सो फॉर द बिगनर्स, यस इट्स अ रियली रियली गुड पैलेट कि आपको
एक अच्छी अमाउंट में छोटी सी पैलेट में सारा कुछ मिल जाता है। नोज़ पे लगाया है क्योंकि समर है तो समर में रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा था। इसी का मैंने जो है इसका हाईलाइटर यूज़ किया, हाईलाइटर भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी ब्लेंडिंग नहीं था, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा था। और अच्छी बात ये थी कि पोर्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे आपके, एंड सुपर सुपर अमेजिंग। मेरी आवाज़ को माजरत के साथ। अच्छा, अच्छे से देखिए आप कितना हसीन। मैंने बहुत कम, मतलब आई थिंक 3 या 4 स्ट्रोक में मैंने पूरा जो है वो मैंने लगाया। इसी अब हाइलाइटर को मैंने ब्रो बोन लेके हाईलाइट कर लिया अपने अच्छे से, और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ लगा रही हूँ अच्छे से आ रहा है। अब बारी आ रही है लिपस्टिक की। लिपस्टिक के लिए ले रही हूँ उषा के लिपस्टिक है, इनके नंबर से, नंबर 17, बहुत प्यारा कलर था। पहले मैंने उसकी टिप से लेके, जिस तरह आप लिप लाइनर यूज़ करते हैं, मैंने टिप से एक लाइनर सी लगाया है पूरे अपने आउटर लिप्स के, और उसके बाद मैं हल्का सा फिलर करूँगी अंदर, एंड देन आई एम यूजिंग द लिप ग्लॉस। आप देख सकते हैं अच्छा लिप ग्लॉस, बहुत ही अच्छी पैकिंग है इनकी फेबल की। आई रियली लव द पैकेजिंग। इस फेबल लिप ग्लॉस शेड है 90 एंड आई रियली लाइक इट। अच्छा ये 90 या 06, आई डोंट नो, आइदर वे गाइस 90 या 60 है, बट बहुत ही हसीन है। ले रही हूँ फेबल का सेटिंग स्प्रे, और सेटिंग स्प्रे के बाद हो जाएगी लुक कंप्लीट। ट्रांसफॉर्मेशन देखना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन।